आज का हमारा टॉपिक होगा लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी। कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए रीडर्स चॉइस की बुक हमारे पास अवेलेबल है और इस बुक में हम रोकड़ बही तीन खाने वाली बनाएंगे यानी थ्री कॉलम कैश बुक बनाएंगे। थ्री कॉलम कैश बुक की प्रॉब्लम ऑलरेडी आपके पास पहले भी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 तक की वीडियो हम इस चैप्टर में बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की वीडियो आपके सामने अब जा रही है बनने। क्वेश्चन नंबर 8 की प्रॉब्लम में सबसे स्टार्टिंग में जुलाई 2019 को रोकड़ शेष है 242 रुपये 25 पैसे, जबकि बैंक का शेष नहीं है, यह है बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट 370 रुपये 40 पैसे का। इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी के नाम से बैंक वाले कॉलम में, और इसको हम टू बैलेंस बीडी कैश के कॉलम में डेबिट साइड में लिखेंगे यानी रोकड़ शेष को रोकड़ में और बैंक शेष को बैंक में लिखेंगे। इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा इसको आप ध्यान से देखिए। इसको प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक बेहतरीन सा फॉर्मेट आप तैयार कर लेंगे। थ्री कॉलम कैश बुक के नाम से लिखेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। डेट पार्टिकुलर्स वाउचर नंबर लेजर फोलियो नंबर डिस्काउंट और कैश और बैंक, ये डेबिट साइड के कॉलम में आएगा और क्रेडिट साइड के कॉलम का नाम होगा डेट पार्टिकुलर्स वाउचर नंबर लेजर फोलियो नंबर डिस्काउंट कैश बैंक। सेम टू सेम होंगे, ये दो भागों में बटे होंगे, एक डेबिट साइड में चलेगा एक क्रेडिट साइड में। पहली ट्रांजैक्शन जो कि 2019 जुलाई 1 को बताया गया, रोकड़ का बैलेंस टू बैलेंस बीडी के नाम से कैश वाले कॉलम में 242 रुपये 25 पैसे लिखेंगे, जबकि जुलाई 1 को बाई बैलेंस बीडी के नाम से बैंक का बैलेंस 370 रुपये 40 पैसे, क्योंकि ये बैंक का अधिविकर्ष है तो उसका बैलेंस हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाई बैलेंस बीडी के नाम से बैंक वाले कॉलम में इस रकम को लिख देंगे। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन जब हम चलते हैं देखते हैं क्या है। अगला ट्रांजैक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है नगद विक्रय बैंक में जमा किया। इसका मतलब होता है कि हमने नगद माल बेचा है और इसको बैंक में जमा कर दिया है। इसका मतलब है इसको हम टू सेल के नाम से लिखेंगे और इसको बैंक में पैसा जमा कर देंगे। टू सेल के नाम से जुलाई 3 को लिखेंगे और पैसा सीधा बैंक में जमा कर दिया जाएगा डेबिट साइड में। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन को देखेंगे तो अगली ट्रांजैक्शन के मुताबिक गोपाल चंद से चेक मिला, उन्हें छूट दी और अगली बार बोलता है 7 तारीख को उपरोक्त चेक बैंक में जमा किया, यानी गोपाल का चेक मिला 5 तारीख को, बैंक में जमा किया गया 7 तारीख को। तो जब हमें चेक मिला 335 रुपये का और 3 रुपये 75 पैसे का डिस्काउंट है, तो इसको हम किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे उसको आपको देखना है। जुलाई 5 को टू गोपाल चंद के नाम से हम 335 रुपये कैश वाले कॉलम में लिखेंगे, 3 रुपये 75 पैसे का डिस्काउंट डाल देंगे। इसके बाद ये 7 तारीख में बैंक में जमा हो जाएगा 335 रुपये यही वाला, और कैश में से निकल जाएगा बाई बैंक के नाम से 335 रुपये कैश में क्रेडिट हो जाएगा और बैंक में आके डेबिट होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री बनेगा। तो यहाँ पर कैश में से निकलता हुआ और बैंक में जमा करता हुआ दिखाएंगे और यहाँ पर सी लिख देंगे एलएफ वाले कॉलम में, जिससे ये पता चल जाएगी ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यानी बैंक और कैश से संबंधित जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। जुलाई 7 की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट, अगला जो ट्रांजैक्शन है वो कितनी तारीख का है उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर है यात्रा व्यय के लिए दिए, यहाँ पर ये नहीं लिखा है चेक दिए या क्या दिए, लेकिन दिए लिखा है तो इसका मतलब है नगद दिए गए हैं, क्योंकि चेक के द्वारा जब भी पेमेंट होगा जब तक उसमें चेक नहीं होगा तब तक हम उसको बैंक में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर यात्रा व्यय के लिए चेक दिया मतलब नगद दिया गया है तो 75 रुपये, तो हम इसको क्रेडिट साइड में यानी कि ये क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में लिखा जाएगा। बाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज 8 जुलाई को कैश वाले कॉलम में 75 रुपीज लिख देंगे। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन के मुताबिक देखते हैं तो यात्रा व्यय के बाद है चेक द्वारा माल खरीदा 10 तारीख में 268 रुपये 50 पैसे का। इसका मतलब है हमारे पास से पैसा गया है वो भी चेक के द्वारा, तो यहाँ पर देखेंगे बाई परचेज के नाम से लिखेंगे और ये पैसा इन्होंने लिखा हुआ चेक द्वारा माल खरीदा है तो 268 रुपये 50 पैसे हमारा बैंक वाले कॉलम से पैसा निकल जाएगा और जुलाई 10 की डेट डाल देंगे।
12 तारीख की अगली ट्रांजैक्शन है, 12 तारीख में लिखा है बैंक में जमा किए 100 रुपये। अगर बैंक में जमा करेंगे तो हमारे बैंक में पैसा आएगा, जमा होगा। यहाँ पर देखेंगे टू कैश के नाम से ये कॉन्ट्रा एंट्री है, 100 रुपये जमा हो जाएंगे बैंक वाले कॉलम में, लेकिन साथ ही ये कैश वाले कॉलम से 100 रुपये निकल भी जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री है ये, 12 तारीख में ही कैश में से निकल के तभी ये बैंक में जमा होगा। 12 तारीख के बाद अगली ट्रांजैक्शन है, 14 तारीख में निजी व्यय के लिए बैंक से निकाले 112 रुपये 60 पैसे, ये ड्राइंग है और ये बैंक से निकल रहा है, तो इसको हम बाई ड्राइंग के नाम से 14 तारीख में बैंक वाले कॉलम में से यानी बैंक में से 112 रुपये 60 पैसे दिखाएंगे क्रेडिट साइड में से, क्योंकि पैसा हमारा जा रहा है। इसके बाद अगले ट्रांजैक्शन के मुताबिक 16 तारीख में भार्गव कंपनी से चेक मिला, उन्हें छूट दी, 445 रुपये का तो चेक है और 5 रुपये 75 पैसे का यहाँ पर डिस्काउंट है। तो अब इस बात को ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमने भार्गव कंपनी से चेक मिला है हमें, तो हम इसको कैश में 16 तारीख को लिखेंगे कैश में। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा इसको ध्यान से देखिए, 16 तारीख में टू भार्गव कंपनी के नाम से 5 रुपये 75 पैसे डिस्काउंट के हो गए, 4 रुपये 45 पैसे 445 रुपये हो गए पैसे जो हमारे पास चेक मिला है, क्योंकि अभी बैंक में जमा नहीं हुआ है इसलिए बैंक में इसको नहीं लिखेंगे बल्कि कैश में ही लिखेंगे। इसके बाद अगली ही ट्रांजेक्शन में इन्होंने जो है इस चेक के बारे में भी कुछ बोल दिया, कहा कि भार्गव कंपनी के चेक कपूर कंपनी को बेचैन कर दिया, यानी ये चेक हमारे पास आया और दोबारा फिर ये कपूर कंपनी को चला गया। तो जब हमारे पास आया था तो हमने इसको कैश में लिखा था, यानी कैश अकाउंट में डेबिट किया था यहाँ पर, लेकिन जब ये हमने किसी को बेचैन कर दिया कपूर एंड कंपनी को, तो बाई कपूर के नाम से हम क्रेडिट साइड में 18 तारीख को कैश में से ही देंगे। जब कैश में जमा किया है तो कैश में से ही पेमेंट होगा, तो कैश के क्रेडिट साइड में से ये 445 रुपये निकल जाएगा। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन के मुताबिक नगद बिक्री बैंक में जमा की, नगद बिक्री बैंक में जमा कर रहे हैं 650 रुपये, तो ये हमारे पास पैसा आ रहा है माल बेच के और बैंक में जमा हो रहा है, टू सेल के नाम से पैसा बैंक में सीधा जमा कर देंगे बिना किसी लाग लपेट के। इसके बाद अगले ट्रांजैक्शन के मुताबिक जगन्नाथ से नगद भुगतान मिला, उन्हें छूट दी, ये पैसा हमारे पास नगद आ रहा है और छूट भी 8 रुपये 72 पैसे की यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये पैसा हमारे पास आया है तो हम टू जगन्नाथ के नाम से कैश में लिखेंगे, 8 रुपये 72 पैसे का डिस्काउंट, 22 तारीख की डेट डाल देंगे। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन बोलता क्या है भाई उसको भी देखिए, यहाँ लिखा है प्रेम शंकर को चेक द्वारा भुगतान किया है, उनसे छूट मिली, 23 तारीख में हमारे पास से चेक गया है, यानी चेक के द्वारा पेमेंट हुआ है, यानी चेक का पेमेंट होने का मतलब बैंक द्वारा पेमेंट होगा, 165 रुपये 20 पैसे का, जिसमें 2 रुपये 80 पैसे का यहाँ पर डिस्काउंट बता रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये पेमेंट हमारी 23 तारीख में बैंक के द्वारा संपन्न की गई है, 23 तारीख में जाएंगे और यहाँ पर बाई प्रेम शंकर के नाम से 2 रुपये 80 पैसे डिस्काउंट वाले कॉलम में और 165 रुपये 20 पैसे बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि ये पेमेंट हम बैंक के द्वारा कर रहे हैं। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे तो अगले ट्रांजैक्शन के मुताबिक यहाँ लिखा है नगद माल खरीदा, 130 रुपये नगद माल खरीदेंगे 25 तारीख में, तो ये पैसा हमारी जेब से जाएगा वो भी नगद, तो बाई यहाँ पर लिखेंगे बाई परचेज के नाम से 25 तारीख में 130 रुपये कैश वाले कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है 28 तारीख में, नहीं उससे पहले 26 में ही है, कार्यालय के लिए बैंक से निकाले, तो ये पैसा हमारे बैंक में से तो जाता हुआ दिखाई देगा लेकिन कैश में आता हुआ दिखाई देगा, यानी कैश के डेबिट में लिखेंगे और बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे, और ये डेट है 26 तारीख, 26 तारीख ये रही हम बाई कैश के नाम से लिखेंगे और बाई कैश के नाम से ये पैसा बैंक में से निकल जाएगा और इधर इस साइड में कैश में आ जाएगा, यानी कैश वाले कॉलम में इसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे। यहाँ पर ये आ गया 200 रुपये कैश में टू बैंक के नाम से 26 तारीख को। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन के मुताबिक
अगली ट्रांजैक्शन जुगल किशोर को चेक द्वारा ब्याज का भुगतान किया। यहाँ पर हमने ब्याज का पेमेंट चेक के द्वारा किया 65 रुपये 30 पैसे का 28 तारीख में। तो ब्याज 28 तारीख में चुकाया जा रहा है, तो यहाँ पर 28 तारीख की डेट डालेंगे, बाई इंटरेस्ट लिखेंगे, और ये पेमेंट हम बैंक में से कर रहे हैं तो बैंक में ही इसको दिखाएंगे। बाई इंटरेस्ट लिखेंगे और बैंक में 65 रुपये 30 पैसे लिख दिया जाएगा। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है, प्यारे लाल से चेक द्वारा फर्नीचर खरीदा। यहाँ पर हम चेक तो दे रहे हैं लेकिन बदले में फर्नीचर ले रहे हैं। चेक से पेमेंट करने का मतलब है कि हमने बैंक से पेमेंट किया है 29 तारीख में, तो 29 तारीख में बैंक द्वारा पेमेंट दिखाया जाएगा। 29 तारीख ये रहा, बाई फर्नीचर, और 190 रुपये 70 पैसे यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है, नगद बिक्री में चेक मिला जिसे उसी दिन बैंक भेज दिया गया। इसका मतलब ये पैसा 372 रुपये 60 पैसे आया है और तुरंत तुरंत बैंक में जमा हो गया। इसका मतलब सेल का पैसा है जो कि बैंक में जमा हो जाएगा। तो इसकी ट्रांजैक्शन के लिए हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल के नाम से, और इसे बैंक में सीधा 372 रुपये 60 पैसे जमा कर देंगे। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है, इसमें लगभग लास्ट की ओर पहुंच रहे हैं, विविध व्यय का नगद भुगतान किया 25 रुपये 50 पैसे। सन्ड्री एक्सपेंसेज का पेमेंट हो रहा है, सन्ड्री एक्सपेंसेज का पेमेंट जो हो रहा है इसका पेमेंट हम कर रहे हैं 31 तारीख में। तो यहाँ पर लिख देंगे सन्ड्री एक्सपेंसेज 31 तारीख में 25 रुपये 50 पैसे। ये पेमेंट चेक द्वारा नहीं हुआ है, नगद हुआ है, इसलिए हम इसको नगद में दिखा रहे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन का पॉइंट, 31 तारीख में वेतन चेक द्वारा दिया। यहीं पर 230 रुपये का चेक द्वारा हमने सैलरी पे किया है, तो ये सैलरी जो पे किया जा रहा है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है वेतन चेक द्वारा दिया। इसका मतलब है 230 रुपये का पेमेंट 31 तारीख में चेक से दे रहे हैं, तो हम 31 तारीख में पेमेंट दिखाएंगे और इसका पेमेंट चेक के द्वारा दिखाएंगे। बाई सैलरीज के नाम से 230 रुपये बैंक में दिखाएंगे, क्योंकि ये पेमेंट हम चेक द्वारा बैंक के द्वारा ही करेंगे 31 तारीख में। और इसके बाद ही हमारा अगला ट्रांजैक्शन आता है, दुकान किराया चेक द्वारा दिया। भाई ये भी पैसा चेक के द्वारा जा रहा है 150 रुपये का, तो दुकान का किराया बाई रेंट इसको हम दे रहे हैं, बाई रेंट 31 तारीख में, वो भी बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद अगला पेमेंट आता है, बैंक ने अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया 12 रुपये 45 पैसे। बैंक वालों ने आखिरकार ब्याज वसूल ही लिया ओवरड्राफ्ट पर, तो इसका ब्याज बैंक से ही कटेगा। तो 12 रुपये 45 पैसे यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में बैंक वाले कॉलम में दिखाएंगे। सबसे नीचे देखिए बाई इंटरेस्ट के नाम से, ये रहा 12 रुपये 45 पैसे, बैंक वाले कॉलम से ये पैसा कट जाएगा यानी क्रेडिट हो जाएगा। लास्टली यहाँ पर लिखा हुआ है, अनाथालय को चेक द्वारा दान दिया 25 रुपये का। अनाथालय को भी चेक से जा रहा है पेमेंट 25 रुपये का 31 तारीख में। तो भाई यहाँ पर बाई चैरिटी 31 तारीख में 25 रुपये यहाँ पर हम दिखा देंगे, चेक के द्वारा पेमेंट है, तो ये पेमेंट हम बाई चैरिटी के नाम से 25 रुपये दिखाएंगे बैंक वाले कॉलम में। अब हमारे पास ट्रांजैक्शन का जो हिसाब किताब है वो लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हमें बैलेंसिंग करने का समय आ गया है, तो सबसे पहले हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, देखेंगे कौन सी साइड ज़्यादा है। सबसे पहले डिस्काउंट को चेक कर लेते हैं। डिस्काउंट में डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 18 रुपये 22 पैसे, और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 2 रुपये 80 पैसे, और इसमें डिस्काउंट है ही नहीं, एक ही बार डिस्काउंट आया था। कैश का जो टोटल है, कैश का टोटल करेंगे 242 रुपये 25 पैसे है यहाँ पर। और इसके बाद दूसरा जो अमाउंट है वो है 335 रुपये, 445 रुपये, 270 रुपये, 200 रुपये, 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों का टोटल होता है 1492 रुपये 25 पैसे। और जबकि क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो हम 1492 रुपये 25 पैसे को यहाँ और यहाँ लिखेंगे, दोनों तरफ लिख देंगे,
और 1492 रुपये 25 पैसे में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 रकमों को घटा देंगे तो 381 रुपये 75 पैसे आएगा। इसी प्रकार से बैंक का टोटल करेंगे तो बैंक का टोटल इस बार डेबिट साइड का ज़्यादा है, जबकि क्रेडिट साइड में बहुत सारी रकम दी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये कम पड़ रहा है, यानी कि कम है डेबिट साइड की अपेक्षा। डेबिट साइड में ज़्यादा अमाउंट है, तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 1907 रुपये 60 पैसे का। इसी को ही हम इधर भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे 1907 रुपये 60 पैसे। उस 1907 रुपये 60 पैसे में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 रकम को हम घटा देंगे तो हमारे पास 117 रुपये 45 पैसे का बैलेंस बचेगा, जिसे हम बाई बैलेंस सीडी के नाम से 31 जुलाई को लिख देंगे। और यही दोनों बैलेंस 1 अगस्त 2019 को टू बैलेंस बीडी के नाम से कैश वाला, ये कैश वाला कैश वाले कॉलम में, और ये बैंक वाला 117 रुपये 45 पैसे यहाँ आ जाएगा बैंक वाले कॉलम में। इस प्रकार से हमारा कैश बुक जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसकी शुरुआत शुरू से देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुई है। इसको हमने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा बनाने की दिखाने की कोशिश की है। क्लियरिटी के मामले में भी हमने बहुत अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश किया हुआ है। अगर इसमें किसी प्रकार की, अगर मान लीजिए कोई बाई चांस ऐसा हो जाता है, कभी कभी कोई चीज़ क्लियर नहीं होता है, तो अपने कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ आप समझ नहीं पाए हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद करेंगे और यहीं पर हमारे वीडियो का समापन होगा और सवाल भी समाप्त हो गया है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारे बच्चों के बारे में हम यही फील करते हैं कि भाई हर स्टूडेंट का भला होना चाहिए, सभी लोगों को ये जानकारी मिलनी चाहिए। ज़्यादातर गरीब दूर दराज के क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उन तक वीडियो नहीं पहुँच पाती है और वो पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ शेयर करने से ही संभव होगा कि वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो वीडियो को यहीं विराम देते हुए पुनः मुलाकात करने की अपेक्षा की जाती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।